बाहर लगाई है मैंने ताकि आप लोगों को ठीक से पता चल जाए। वेयर कर सकते हैं और बाहर भी आप पहन के जा सकते हैं। ये देखें क्या खूबसूरत चप्पलें हैं यार। जी हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और मेरा नाम बिंदु है और ये जो चैनल आप जिस पर आप मुझे देख रहे हैं इसका नाम है बिंदु की वाइंस। आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले कोशिश करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट भी करें। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट भी करें और साथ में उसे शेयर भी करें। आज के व्लॉग की शुरुआत मैं तकरीबन कर रही हूँ 2:15 बजे और मेरे फोन की बैटरी बहुत है कम, लेकिन फिर मुझे टाइम मिलेगा नहीं और इसलिए मैं कर रही हूँ शूट। जी अभी मैं बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए मैगी। आज काफी टाइम के बाद जो है बच्चे मैगी खाएंगे और मैं कोशिश करती हूँ कि वीक में जो है ना एक बार बच्चों को मैगी ही बना के दूं। बाहर के आउटसाइड फूड भी बच्चों के लिए जरूरी है, बिल्कुल भी मैं अवॉइड नहीं करती हूँ कि हाँ बैन लगा पड़ा है। नहीं, मैं मेरे बच्चों को सब चीजें खाने पीने की छूट देती हूँ। जी जब तक मैगी बन रही है आज मुझे करना है एक अनबॉक्सिंग वीडियो। मैं पहले ही बता देती हूँ कि मुझे आज एक अनबॉक्सिंग वीडियो करनी है क्योंकि मेरे पास कुछ पार्सल आए हुए हैं। जी जरा टेबल के हालात को हमारे को इग्नोर कर दें क्योंकि हमने अभी अभी जो है लाइव करके ख़त्म हुए हैं। थोड़ा सा टाइम किसी की लाइव को दे के भी आए हैं और थोड़ी सी चार्जिंग अपने फ़ोन में करी है और मेरे पास आज हैं 4 पार्सल। तो इनको मैं अनबॉक्स करूँगी और मैं अनबॉक्स करूंगी तब जब मेरे बच्चे बैठ के मैगी खा रहे होंगे। और मिठू के लिए मैं मैगी थोड़ी ठंडी होने के लिए रखूंगी और उसी दौरान जो है मैं अपना काम जो है कर लूंगी। फिलहाल मैगी बन गई है, बच्चों को मैं डाल के दे देती हूँ। तो गाइस ये देखिए, मैं कह रही हूँ ना फोन में चार्जिंग कम है, चार्जर भी मैं साथ लिए ही घूम रही हूँ। नायला को मैगी दे देंगे क्योंकि वो अपने आप से खा लेती है और मिठू की अभी थोड़ी देर के लिए ठंडी होने के लिए रखेंगे। जी चलिए नायला को दे देते हैं। जी चलो नायला आप इंजॉय कर लो, ठीक है? खा लो अपनी मैगी। और ये देखो कितना कुछ काम धाम पड़ा है आपके आगे, इनको करने की कोशिश करो। पेंटिंग अच्छी लगती है ना आपको? ये देखें गाइस, मेरी बेटी ने इतनी पेंटिंग कर दी है यहाँ। ये इसका बस चले तो ये हमें भी पेंट कर दे। जी मिठू जी आप कहाँ हो? मिठू जी आप वेट करो, आपकी मैगी ठंडी हो रही है, ठीक है? ओके चलो, मिठू को मैगी पसंद नहीं है इसलिए कह रही है। जी गाइस मैं आपको बता दूं कि हमारी जो मिठू है वो इस तरह का खाना खा के कुछ ज्यादा खुश नहीं होती है इसलिए कह रही है वो बहुत कम मैगी खाती है जी, और वो फ्रूट्स ज्यादा खाती है और जो बाहर के स्नैक्स वगैरह है ना वो भी वो कम ही खाती है। चलिए गाइस फटाफट मैं अब इनको ओपन करूंगी और आपको मेरे साथ बने रहना है। जी देखते हैं आज क्या क्या निकलेगा। सो गाइस पहले मैं है ना थोड़े थोड़े से जो पार्सल्स हैं उनको खोल लेती हूँ ताकि मुझे इजी हो जाए, बहुत लंबा जो वीडियो है वो ना खिंच जाए। तो सबसे पहले जो ड्रेस निकली है वो मेरी बेटी की है, मैंने उसके लिए एक सूट ऑर्डर किया था मिठू के लिए। ओ वाव इतना स्मूथ कपड़ा है यार ये। जी बहुत बहुत स्मार्ट पीस है ये। और ये काफ्तान ड्रेस है मैंने मिठू के लिए मंगवाई है गाइस, ये देख। जी ये काफ्तान ड्रेस है और ये मैंने मिठू के साइज के लिए मंगवाई है, तो काफी अच्छा और प्रिटी कलर है इसका और पजामा भी बहुत खुला डुला सा है, बच्चा आराम से पहन लेगा। जी बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया इसको देख के। जी दूसरा मैंने कुछ अपने लिए भी मंगवाया है, देखते हैं ये कैसा आया है। ओ वाव आज तो मेरी बल्ले बल्ले हो गई गाइस। जी ये मैंने अपने लिए मंगवाया है लेकिन ये तो मुझे बहुत ज़्यादा चौड़ा लग रहा है, बहुत ज़्यादा चौड़ा लग रहा है। चलिए थोड़ी सी अल्ट्रेशन करा लेंगे, कोई बात नहीं। अरे वाह जी मैंने ये थोड़ा पेपलम टाइप टॉप जो है ना वो ऑर्डर किया था, आप लोग देख रहे हैं। जी बहुत अच्छा लग रहा है और खूबसूरत भी है, ये देखें कलर बहुत प्यारा है इसका, ये देखें ये पेपलम टाइप टॉप है और साथ में ये अंगरखा स्टाइल का
वो है, काफी काफी बढ़िया है ये, इसीलिए मैंने इसको मंगाया था जी। ये अंगरखा स्टाइल का है और ये काफी काफी अच्छा है जी। आप बने रहें, मैं इसको बिल्कुल आपको पहन के दिखाऊंगी। इसमें आज की वीडियो में इसको मैं अभी ट्राई करूंगी, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ जो है ना गाइस पहले नहीं पहना है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको अभी अभी पहन लूं और फिर देखते हैं कि ये कैसा है। एक पिंक कलर का कुर्ता मैंने लेना था, लेकिन ये वो कलर नहीं है जो मैंने मंगवाया है, लेकिन मैं रानी पिंक कलर मंगवाना चाह रही थी गाइस। लेकिन ये बहुत ही अच्छा है और फाइन, इसकी आप एम्ब्रॉयडरी देखें कितनी फाइन है, बिल्कुल धागे वाली एम्ब्रॉयडरी है और बहुत ही अच्छा, और कपड़ा तो इतना स्मूथ है। आजकल ऑनलाइन जो है ना परचेज करना बहुत ही आसान हो गया है, एक तो सस्ता कपड़ा आ जाता है और टिकाऊ भी, काफी काफी बहुत बेहतरीन मखमली कपड़ा है ये एकदम। अरे इसके साथ दुपट्टा भी आ गया है। वैसे गाइज ये पिक्चर में दुपट्टा था नहीं इसके, लेकिन दुपट्टा भी आ गया है, बहुत अच्छी बात है। और साथ में मुझे मिला है ये पजामा जी, बहुत बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है बिल्कुल। और आप देख पा रहे हैं, आप फील कर पा रहे हैं इस टेक्सचर को, ये वो कॉटन है एकदम प्योर जी, बहुत ही अच्छा सुंदर। दूसरा हमने क्या मंगवाया है, मैंने एक पेयर पहली बार अपने लिए फुटवियर मंगवाया है, और ये जंप लाइट का फुटवियर है, ये बहुत हैवी है, बहुत हैवी है। हाँ जी, मैं आपने मैगी खा ली, सारी फिनिश कर दी, लेकिन गाइज ये है बहुत कंफर्टेबल, वाओ जी। ये मैंने गाइज इसके साथ है ना, इस वाले पैटर्न के साथ ये मैंने ऑर्डर करी थी। ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर हो गया, लेकिन चल जाएगा। मैं इसको अभी पूरा का पूरा गेटअप पहन के ना आप लोगों को शेयर करूंगी जी। चप्पल देखो कैसी है, अच्छा, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही स्मूद है। ये देखें आप कितनी स्मूद है, बहुत स्मूद है चप्पल जी। नायला की चप्पल भी हमने ओपनिंग कर ली थी, जल्दी से बॉक्स लेके आओ। और इनके फादर ने जी जी गाइज बिटिया के लिए ये बटरफ्लाई मंगवाई थी, ये बबल वाली है, इसको जब आप ऐसे करते हैं, नायला लिक्विड खत्म कर दिया तो ऊपर से यहाँ से गाइज इसमें से ना बबल्स निकलते हैं जी। ये देखें, काफी टाइम से हमारी बिटिया बटरफ्लाई मांग रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो टमाटर के पेड़ लगे हैं ना, उन पे वो बटरफ्लाई आ रही थी, तो हम इनके पापा ने ये ढूंढा और बिटिया को गिफ्ट कर दिया है। बताएं गाइज ये बटरफ्लाई कैसी है। हाँ जी, और दूसरा एक हमने पहले कर लिया है, तो ये नायला का, क्योंकि नायला के से रुका नहीं जाता है, तो उसने पहले ही अनबॉक्सिंग कर दी थी। नायला के लिए मैंने शूज मंगाए हैं। हाँ जी, हाँ पहनो शूज, आप जल्दी से पहनो और दिखाओ फिर जी। गाइज जब तक नायला शूज पहनती है, मैं अपनी ड्रेस चेंज करके आती हूँ, और आप लोगों ने जरूर कमेंट करके मुझे बताना है कि मेरी ड्रेस जो है वो कैसी लग रही है। मैंने वियर कर लिया है और ये रहा मेरा फाइनल लुक। मैंने चप्पलें भी पहन ली हैं, ये देखें आप जी। मैं आपको मिरर में ही दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ विजिबिलिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है जी। ड्रेस मुझे काफी पसंद आई है और बहुत सुटेबल भी है, बहुत सॉफ्ट है, लेकिन इसमें मुझे एक जो प्रॉब्लम आई है ना वो ये है, इसका जो ये नेक लाइन है ना, ये बहुत ज्यादा डीप है, तो मुझे एक सेफ्टी पिन लगाई है, और मैंने ये बाहर इसलिए लगाई है ताकि अगर मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ तो मैं ये बाहर लगाई है मैंने, ताकि आप लोगों को ठीक से पता चल जाए। अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा कपड़ा है और आप कंफर्टेबली इसे गर्मियों में वियर कर सकते हैं। और चप्पल तो इतनी कमाल है, आप पूछे नहीं, मजा आ गया इनको पहन के। थोड़ी सी वो है, घर में भी वियर कर सकते हैं और बाहर भी आप पहन के जा सकते हैं। ये देखें क्या खूबसूरत चप्पलें हैं यार, ये पहली बार मैंने जो है ऑनलाइन किसी उस पे चप्पल खरीदी है। अदरवाइज मैं फुटवेयर बहुत कम मंगवाती हूँ, बच्चों का अलावा मैं अपना कोई फुटवेयर नहीं मंगवाती हूँ, और ये काफी काफी अच्छा जो है मुझे महसूस हो रहा है जी। तो आज के पार्सल जितने भी मैंने ओपनिंग किए हैं, इनमें से कोई भी पार्सल मैं रिटर्न नहीं करूंगी, क्योंकि पिंक कलर भी मैंने रानी पिंक कलर ऑर्डर किया था, लेकिन कपड़ा बहुत स्मूथ है, तो मैं इसको रख लूंगी। हाँ जी बेटा,
जी गाइज, अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय। व्लॉग का एंड मैं यही करूंगी क्योंकि मेरी बच्ची की जो मैगी है वो ठंडी हो गई है, वो और ज्यादा ठंडी हो उससे पहले जो है मुझे जाना होगा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक, और अगर आपने कमेंट करना है तो लाजमी आप कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।